मोदी जी, वो आपने क्या बात कही थी? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। नहीं नहीं नहीं, फिर से बोलिए ना, मजा नहीं आया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। अब मोदी जी ने किसे कही थी बात, ये जानना जरूरी नहीं है, मगर मोदी जी की इस बात को उनकी अपनी पार्टी ने गंभीरता से ले लिया है। मसलन इस शख्स पर गौर कीजिए, ये वो शख्स है जो ट्विटर पर झुमके और टी शर्ट्स भी बेचता है और खुद को भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बताता है। ये एक सरासर झूठी खबर का प्रचार प्रसार कर रहा है कि उमर खालिद, जेएनयू के पूर्व नेता उमर खालिद जो हैं, हिंदुओं से आजादी के नारे लगा रहे हैं। इन्हें बता दिया गया है कि जो इन्होंने ट्वीट किया है वो सरासर झूठ है, मगर मान्यवर हैं कि ये डिलीट करने का नाम नहीं ले रहे। अब आप खुद देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये नेता सरेआम झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है। आजादी, 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 बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का प्रमुख अमित मालवीय अपने ट्विटर हैंडल से दो पत्रकारों का सहारा ले रहा है एक और झूठ चलाने के लिए। आपके स्क्रीन्स पर ये दो ट्वीट्स हैं, एक एबीपी न्यूज का पत्रकार विकास भदौरिया और दूसरा एक और पत्रकार है जिसका नाम है सुमित कुमार सिंह। ये एक झूठ चला रहे हैं और वो झूठ क्या है, वो झूठ ये है कि एक एबीवीपी का छात्र बेचारा आयसा के छात्र यानी कि वामपंथी संगठन के हाथों पिट रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है। पीटने वाला एबीवीपी का छात्र है जिसका नाम है शार्वेंदु, जो कुछ जेएनयू का छात्र है, और अब इस झूठ को भी जोरों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है। तो मित्रों, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, फिर से सुनना चाहोगे? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। जी हां, झूठ मत बोलो। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। अनिमा शंकर, जो कि जेएनयू में एबीवीपी की नेता हैं, क्या आप जानते हैं कल टाइम्स नाउ में इन्होंने एक बात कबूल ली थी। उन्होंने कहा था कि दो छात्र जो खड़े हुए हैं, दरअसल न सिर्फ वो एबीवीपी के छात्र हैं बल्कि ये नसीहत दी गई थी कि आप हाथ में वेपन्स लेके निकलें, डंडे लेकर निकलें, यही नहीं साथ में पेपर स्प्रे और एसिड भी लेकर निकलें। जी हां, एसिड। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात क्या है दोस्तों, जानते हैं? अनिमा जो है वो एक छात्रा है, एक महिला है। आप सब जानते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अक्सर एसिड का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया जाता रहा है, और ये महिला छात्रा, एबीवीपी की ये छात्रा, खुलेआम ये गलत बयानी, इस तरह का शर्मनाक बयान दे रही है कि ये नसीहत दी गई थी कि आप साथ में एसिड लेकर निकले। वाकई मैं पूरी तरह से निशब्द हूं। बात यहां नहीं रुकती। भारतीय जनता पार्टी रिपब्लिक के एक पत्रकार के इस झूठ का भी इस्तेमाल करती है, क्या यह कहने के लिए कि जो जेएनयू एसयू की प्रेसिडेंट है आयशी घोष, वो नकाबपोश लोगों के साथ दिखाई दे रही हैं इस वीडियो में। देख रहे हैं आप ये वीडियो? जी हां, अब इस वीडियो के ऑडियो को आप ऊपर करें, यह किसी भी सूरत में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि आयशी घोष ने नकाबपोश लोगों के साथ मिलकर लोगों की पिटाई करवाई। दरअसल मैं एबीवीपी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, तुम क्या कह रहे हो कि आयशी घोष नकाबपोशों के साथ गई, हॉस्टल के अंदर घुसी और फिर उनसे कहा कि आओ मेरे भाइयों, मेरे सिर पर डंडा मारो, जिसका नतीजा यह है? दोस्तों, कहीं ना कहीं बीजेपी का यह अंदाजे बयां रहा है। आपको याद होगा 2016 में जब वो विवादास्पद नारे लगे थे, और हमें आज तक नहीं पता चल पाया है कि वो नकाबपोश कौन थे जो वो देश विरोधी नारे लगा रहे थे। उस वक्त भी कन्हैया को, अपराजिता को बदनाम करने के लिए बाकायदा उनके वीडियोस को डॉक्टर किया गया था, और उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था कुछ मीडिया चैनल्स का।
अगर आपको लगता है कि आपकी बात सही है और आप सच्चे हैं तो आपको झूठ का सहारा लेने की बार बार जरूरत क्यों पड़ती है। और ये देखिए, ये कल का वीडियो है दोस्तों, इन युवाओं को देखो, ये किसी भी सूरत में होश में नहीं दिखाई दे रहे हैं, देखिए इनको। अरे कॉमरेड की भी कमर खुदेगी, सावरकर की धरती पे। अरे गद्दारों की भी कमर खुदेगी, सावरकर की धरती पे। अरे वामपंथ की भी कमर खुदेगी, सावरकर की धरती। अरे लाल सलामियों की भी कमर खुदेगी, सावरकर की धरती। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सावरकर का नाम ये लोग राम के साथ जोड़ रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। जी हां, सावरकर की धरती पर। कहां सावरकर और कहां भगवान राम, कहां मर्यादा पुरुषोत्तम या मर्यादा पुरुष और कहां माफी पुरुष। मैं आपको बता दूं कि वो शख्स जो अंग्रेजों से माफी मांगता है, ये उसकी जमीन नहीं हो सकती। हालांकि भारतीयता में वो महानता है कि हम हर किसी को यहां पर स्पेस देते हैं, मगर यह जमीन सही मायने में गांधी की जमीन है, सुभाष चंद्र बोस की जमीन है। सावरकर तो चलो हम उन्हें जगह दे देते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं किस तरह से मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप ये वीडियो देखिए, यहां पर आज तक के पत्रकार आशुतोष को बेरहमी से पीटा जा रहा है। जानते हैं उन्हें क्यों बेरहमी से पीटा गया? उन्हें बेरहमी से इसलिए पीटा गया क्योंकि वो जेएनयू के सामने खड़े होकर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल कर रहे थे, दिल्ली पुलिस पर सवाल कर रहे थे। अब ये प्रदर्शनकारी उनकी बात का इतना बुरा मान गए कि वो आशुतोष की पिटाई करने लग गए। मगर आप जानते हैं सबसे दुखद बात क्या है? इनकी एक और पत्रकार है, उनका ये स्क्रीनशॉट देखिए। इसे उनका चैनल लेफ्ट वर्सेस राइट बता रहा था। यहां साफ तौर पर वो लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो हिंसा में शामिल हैं, मगर उनका चैनल, न जाने क्या मजबूरी है उनकी, इसे अब भी लेफ्ट वर्सेस राइट बता रहा है। क्या इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ हो सकती है? दरअसल दोस्तों, सारा खेल दिल्ली विधानसभा चुनाव का है। कहीं ना कहीं इसकी नींव अमित शाह के दिल्ली में दिए गए इस भाषण से पड़ जाती है। जेएनयू में जो भी कुछ हो रहा है इसकी नींव यहीं पर पड़ती है, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह टुकड़े टुकड़े गैंग को सबक सिखाने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, एक कांग्रेस पार्टी, इसके नेतृत्व में टुकड़े टुकड़े गैंग जो दिल्ली के अशांति के लिए जिम्मेदार है, इसको दंड देने का समय आ गया है। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, इतने घंटे गुजर चुके हैं। सवाल नंबर एक, अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? जबकि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बाकायदा पुलिस रेड कारपेट में, लाल कालीन में जो दंगाई लोग हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रही है, पुलिस वहां खड़ी है, मगर हाथ में हथियार लिए ये लोग जो हैं आसानी से जेएनयू के बाहर निकल रहे हैं। क्या इनकी गिरफ्तारी हुई? क्या इनसे पूछताछ हुई? सवाल नंबर दो, अब तक गृह मंत्री अमित शाह इस पर खामोश क्यों हैं? वो क्यों नहीं इस मुद्दे पर आकर कुछ बोल रहे हैं? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को इस तरह से बदनाम किया जा रहा है। आपके एचआरडी मिनिस्टर कह रहे हैं कि साहब स्टूडेंट्स पर सख्ती ना की जाए, मगर आपकी तरफ से एक साफ बयान तो आना चाहिए, खासकर तब जब आपका झूठ बार बार एक्सपोज हो रहा है। बात यहां नहीं रुकती, प्रधानमंत्री हमेशा की तरह मौन बने हुए हैं। जी हां, मन की बात तो ठीक है, मगर अब भी प्रधानमंत्री ने इस पर एक भी बयान नहीं दिया है। क्या ये तीन सवाल उठाए जाने जरूरी नहीं है? सबसे दुखद बात यह है कि विदेश मंत्री जो कि जेएनयू में पढ़ चुके हैं, उन्होंने शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं पढ़ रहा था उस वक्त वहां पर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं था। सुना आपने? जयशंकर जी, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं आपको बताता हूं कि उस वक्त टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों नहीं था। क्योंकि जब आप वहां पढ़ रहे थे तो उस वक्त ऐसी सरकारें नहीं थीं जो विरोध की आवाज को दबा दिया करती थी। तब आप मैदान में निकलते थे, सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे। आप ये वीडियो देखिए, 1975 का ये वीडियो है, यहां पर आप देख सकते हैं सीताराम येचुरी इंदिरा गांधी के साथ खड़े हुए। उस वक्त जेएनयू के छात्रों ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उन्होंने इंदिरा गांधी से मांग की थी कि आप चांसलर के पद से हट जाएं। इंदिरा गांधी को उनकी बात माननी पड़ी थी और उनके साथ खड़े होकर उन्होंने इस बात को माना था। दोस्तों,
इस देश ने आपातकाल भी देखा है, मगर क्या आप जानते हैं कि आपातकाल के अंदर बेशक हमारे मानवाधिकारों को कुचला गया, मगर बावजूद इसके किसी धर्म विशेष को, किसी जाति विशेष को, या फिर विद्यार्थियों को, या किसी खास किस्म की विचारधारा का अनुसरण करने वाले लोगों को बदनाम नहीं किया जाता था, जिस तरह से पिछले 6 सालों में लगातार इस देश में चल रहा है। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि सारा खेल दिल्ली के विधानसभा चुनावों को लेकर है। अब आप देखिए, एबीपी न्यूज ने एक सर्वे किया है और इस सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को अगर आज चुनाव होते हैं तो 60 के करीब सीटें आसानी से मिल जाएंगी। जी हां, यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस पूरी बहस को राष्ट्रवाद बनाम देशद्रोह करती जा रही है। अब आप सुनिए किस तरह से अमित शाह ने कल या परसों एक रैली में कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल को फिर घेरने की कोशिश की। केजरीवाल ने जनता को गुमराह कर कांग्रेस पार्टी ने, विशेषकर राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा ने जनता को गुमराह कर दंगे करवाने का काम किया है। मित्रों, दंगे करवाने का काम। मैं दिल्ली की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो दिल्ली में अपनी राजनीति के कारण दंगे कराए? दोस्तों, आपके स्क्रीन पर इस वक्त एक स्क्रीनशॉट है। यहां पत्रकार इंटरव्यू कर रहा है मनोज तिवारी का, बीजेपी के नेता मनोज तिवारी का। यह इंटरव्यू 25 से 26 दिसंबर के आसपास हुआ था। और क्या आप जानते हैं कि इस इंटरव्यू में मनोज तिवारी के मुंह से गलती से निकल गया था कि 8 फरवरी को चुनाव होने हैं दिसंबर में, और आप जानते हैं घोषणा कब हुई? 6 जनवरी को। इस तरह से मजाक बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पूरी तरह से चुनाव आयोग है। उनको 1 या 2 हफ्ते पहले ही पता होता है कि चुनाव जो हैं वो 8 फरवरी को होने वाले हैं। इस कदर खुला खेल फरूखाबादी चल रहा है। और बात यहां नहीं रुकती, आपके स्क्रीन पर इस वक्त चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। सुनील अरोड़ा कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में हालात बिगड़ जाते हैं तो हमारे पास संविधान में अधिकार हैं कि हम चुनावों को मुलतवी करा दें। अरे भैया अरोड़ा साहब, ये चुनाव कहीं अंदरूनी इलाके में नहीं हो रहे हैं, ये देश की राजधानी में हो रहे हैं। आप इतने कितने कमजोर हैं, या केंद्र सरकार ऐसी कैसी कमजोर है कि वो दिल्ली के अंदर हालात को नहीं सुधार सकते? यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं आपको अगर ये इम्कान हो जाए या आपको ऐसे संदेश मिलने लगे कि आप हार रहे हैं तो आप चुनाव को स्थगित करा दें या राष्ट्रपति शासन ही लागू कर दें? इस देश में आज की तारीख में कुछ भी हो सकता है। सांविधानिक मूल्यों की बहुत आसानी से हत्या की जा सकती है, और सब झूठ और ताकत के बुनियाद पर, जैसा जेएनयू में हुआ और जैसा पिछले 5 सालों में लगातार हो रहा है। जी हां, आपके सामने चुनाव आयोग की इतनी दयनीय हालत है। जेएनयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, या फिर जामिया में जिस तरह से पुलिस का दमन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे का सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए था, मगर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से खामोश है। मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर इस देश की संस्थाओं को हुआ क्या है? आप अपनी आंखों के सामने इस तरह से सांवैधानिक मूल्यों की, मानवाधिकार के जो उसूल हैं, उसकी हत्या होते कैसे देख सकते हैं? क्या यह सवाल उठना लाजमी नहीं है? वाकई आप समझाओ मुझे, इस जहर का, इस नफरत का सिला क्या होगा? आग लगाओगे तो क्या आशियां आबाद होगा? आप सबसे मेरी अपील कि हमारे इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, वहां जो आप एक बेल आइकन देख रहे हैं ना, उसे जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे जब भी कार्यक्रम आएंगे आप तक वो सीधे पहुंचेंगे आपके मोबाइल तक। अब हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.